नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत भूषण है और आप देख रहे हो जेसीबी कंप्यूटर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके जो प्रिंटर है उसमें पावर की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। काफी लोगों ने पूछा है कि हमें ट्रांजिस्टर भी चेंज करके देख लिए हैं तो भी ठीक नहीं होता, जो ये मोसफेट होते हैं इसके कारण भी आपकी जो प्रॉब्लम है पावर की वो बनी रहती है, आप इनको चेंज करके देख सकते हो। और उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इनके बीच में R74, अगर ये लीकेज हो जाए या खराब हो जाए तो भी ये पावर की प्रॉब्लम बनी रहती है और ये मोसफेट उड़ते रहते हैं। दूसरी बात, एक ये आपको मोसफेट दिखाई दे रहा है, अगर ये शॉर्ट हो जाए, जो ये वाला है, ये वाला जो शॉर्ट हो जाए तो आपके जो मोसफेट हैं बिल्कुल भी उड़ जाएंगे। तो आपको ये भी देखना है कि ये शॉर्ट तो नहीं हुआ है, आपने ये डायोड भी चेक कर लेना है, ये लीकेज तो नहीं है। और ये कॉइल है, ये भी यहाँ से एक बार चेक कर लेनी है, जो ये वाली है ये आप अपने मीटर से चेक कर सकते हो। और जो ये डायोड है ये निकाल के आप अपने मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, इससे क्या होगा, एक तरफ तो बीफ की आवाज़ आएगी और एक तरफ बीफ की आवाज़ नहीं आएगी। जैसे ये डायोड है इनको आपने चेक कर लेना है, जैसे ये डायोड है ये भी आपने चेक कर लेना है, अगर ये शॉर्ट हो जाते हैं तो आपके जो मोसफेट हैं वो लीकेज हो जाएंगे। और जो ये हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोसफेट हैं, ये डायोड हैं, ये भी आपने चेक कर लेने हैं। ये वही फार्मूला, बीफ एक तरफ साउंड करेगा, मल्टीमीटर एक तरफ नहीं करेगा। अगर आपका कोई भी प्रिंट नहीं आ रहा तो उसके लिए आपने F1 चेक कर लेना, आपका ये F1 है, ये यहाँ से आपने चेक कर लेना है। ये इसका यही कारण होता है, अगर ये उड़ जाएगा तो कोई भी प्रिंट आएगा बिल्कुल ब्लैंक पेपर आएगा। दोस्तों कभी कभी आपने देखा है आपकी जो है ना ग्रीन लाइट ब्लिकिंग कंटिन्यू करती रहती है, प्रिंटर रेडी मोड में नहीं आता, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, जो ये कंडेंसर होता है, देखो ये वाला कंडेंसर C7 है, जो ये वाला कंडेंसर, ये अगर लीकेज हो जाए, ये लीकेज हो जाएगा तो आपका प्रिंटर है रेडी मोड में नहीं आएगा, ग्रीन लाइट ब्लिकिंग कंटिन्यू करती रहेगी। ये बायोज का भी प्रॉब्लम हो सकती है, बायोज भी आपने चेक कर लेनी है, अगर ये लीकेज नहीं है तो ये चेंज कर देनी है, तो 100% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों जो आपका प्रिंटर होता है उसमें कलर पेज नहीं आता, ब्लैक एंड वाइट पेज आता खाली, उसके लिए बस ये IC जिम्मेवार होती है, ये IC को आप चेंज कर दो, आपके कलर पेज आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपका हेड ठीक है तो। दोस्तों बस आपको आज की वीडियो में इतना ही बताना था, अगर आपको कुछ और पूछना तो आप कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।